अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने सीखा था अदद की चढ़ती उतरती धरती, अदद के जरिए हमने सीखा था कि अदद की जो है चढ़ती उतरती धरती क्या होती है। हम उसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ चीजों का यूज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चढ़ती और उतरती धरती क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे डब्बे लिए हैं जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब क्या होंगे। तो जैसे देख रहे हैं आप, ये सबसे बड़ा हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास डब्बा हो गया एक। इसके बाद हमने उससे छोटे वाले डब्बे को रखा, ये डब्बे को रखा, फिर उसके बाद ये, और फिर हमने उसके बाद इस डब्बे को रखा, और फिर सबसे छोटा। तो ये क्या हो गया, हमने कैसे लगाया, सबसे बड़े से जो छोटा 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 है, इस तरीके से हमने पहले इसको तरतीब लगाया। तो ये क्या हुई हमारी उतरती तरतीब। अभी चढ़ती तरतीब क्या होंगी देखते हैं। तो ये जो सबसे छोटा है ये पहले आएगा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स, और फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो ये क्या होंगी हमारी चढ़ती तरतीब। इस तरीके से हमने चढ़ती और उतरती तरतीब को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको चढ़ती और उतरती तरतीब इस तरीके से समझ आई होंगी। शुक्रिया।